यह नौ कारणों से आप बीमार होते हो, आइए इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। सभी तरह की जांच करने के बाद में भी आपको बीमारी है और डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे कि बीमारी क्या है, सब इन्वेस्टिगेशन किया मगर बीमारी है, तो फिर बोलते कि नहीं दिमाग के ऊपर लोड है, टेंशन है, ज्यादा सोचो मत, ऐसा बोल के फिर डॉक्टर कुछ ना कुछ आपको दवाई लिख देते हैं। मैं आपको नौ साइकोलॉजिकल रीजंस आपको बताता हूं कि जिसके वजह से आपको ये बीमारी है। नंबर एक, सेल्फ हेट्रेड, मतलब खुद की नफरत करना, खुद की घृणा करना। नंबर दो, आई एम नॉट गुड इनफ, मतलब मैं इतना अच्छा नहीं हूं, ऐसा अपना खुद के बारे में खुद का मत रहना। रिजेंटमेंट, मतलब खुद के बारे में गुस्सा, चीड़ है, द्वेष है, लोगों के प्रति है और खुद के प्रति भी ये गुस्सा, चीड़ है, द्वेष है। क्रिटिसिज्म, लोगों की आलोचना करना, खुद की आलोचना करना, ये एक कारण हो सकता है। फिर गिल्ट, अपराध बोध कि मैंने बहुत अपराध किया हुआ है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैंने बहुत अपराध किया है, गिल्ट लगना और मैं माफ नहीं करूंगा खुद को, ऐसा लगना, तो गिल्ट है। फिर नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब माफ लोगों को नहीं करना और खुद को भी नहीं करना, लोगों के बारे में खुन्नस पकड़ के बैठना कि मैं इसका बदला लूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा और लोगों को माफ नहीं करना, नॉट फॉरगिविंग पीपल। नेक्स्ट लव, प्यार नहीं करना, लोगों के ऊपर प्यार नहीं, खुद के ऊपर प्यार नहीं, और देयर इज नो अनकंडीशनल लव। नेक्स्ट, माँ बाप के प्रति बहुत गुस्सा, खुन्नस कि उन्होंने मेरा अच्छा नहीं किया, उन्होंने मेरा ऐसा किया, उन्होंने मेरा वैसा किया, ये कारण। और लास्ट, खुद का स्वीकार नहीं करना। स्वीकार मतलब मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और जैसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, जो मैं हूँ वो ठीक हूँ, ऐसा खुद का स्वीकार नहीं करना। तो ये कारण होते हैं, मैं फिर से आपको दोहराता हूँ। सेल्फ हेट्रेड एक नंबर, दो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तीन रिजेंटमेंट गुस्सा चीड़, नंबर चार क्रिटिसिज्म आलोचना, नंबर पाँच गिल्ट अपराध बोध की भावना, नंबर छः फॉरगिवनेस माफ नहीं करना, नंबर सात लव प्यार नहीं है, नंबर आठ माँ बाप के प्रति गुस्सा है, और नंबर नौ स्वीकार करना है, या आपका स्वीकार खुद का नहीं करना है। तो ये कारण है जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी बीमारियाँ होती है। ये यदि आप दिमाग में से निकाल देंगे, बहुत सारी बीमारी खत्म ही हो जाएगी। लोगों की इवन कैंसर ठीक हुए, लोगों का मोटापा ठीक हुआ है, लोगों का बैकएक, चेस्ट पेन, सर दर्द, माइग्रेन, पेट के विकार, ऐसे काफ़ी सारे विकार ठीक हो चुके हैं। सिर्फ आप जो दिमाग में ये पकड़ के बैठे उसको निकालना पड़ता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।